तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं स्लाइसर्स के बारे में। तो अभी तक जो हमने पिवट पढ़ा था वो पिवट था हमारे 2007 तक का। अब हम बात कर रहे हैं 2016 एंड 13 के पिवट टेबल के बारे में, ठीक है सर। तो स्लाइसर, स्लाइसर की क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्लाइसर को जानने से पहले हमें जानना होगा फिल्टर के बारे में, तब जाके आप स्लाइसर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि स्लाइसर का इस्तेमाल कैसे होता है और उसका क्या बेनिफिट्स है, राइट सर। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके। और मान लीजिए कि हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें मैंने यहाँ प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का टोटल कैटेगरी वाइज हमने निकाला हुआ है, ये हमारे पास रिपोर्ट्स है। और मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर रखना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स मैनेजर्स एंड सेल्स पर्सन्स रख दिए, राइट। और जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से नीरज को सिलेक्ट किया तो नीरज का डेटा आ गया, और नीरज में मैं मान लीजिए कि समझ किया ललिता का डेटा सिलेक्ट किया तो ललिता का डेटा, अब यहाँ पे क्या है कि ललिता का डेटा है ही नहीं है ना सर, तो फिर मुझे मोहन देखना पड़ेगा तो मोहन जी का डेटा है। तो इसमें एक एक तो हुआ कि मुझे यहाँ पे एक ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिल रहा है एक अट्रैक्टिव। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अगर किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरे में क्या कौन कौन अवेलेबल है कौन कौन अवेलेबल नहीं है वो मुझे नहीं पता चलता है, समझ गए। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो है वो स्लाइसर का ऑप्शन है। तो आप डिजिटल मतलब ग्राफिकल फिल्टर और एडवांस फिल्टर कह सकते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्लाइसर को। तो स्लाइसर से मैंने क्वार्टर जोन सिटी सेल्स मैनेजर सेल्स पर्सन और भी जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सब कैटेगरी एंड ओके कर दीजिए। तो ये सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसको आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऑल डेटा हमारा। अब मैंने यहाँ पे क्वार्टर वन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए कि सेल्स पर्सन में ये लोग नहीं है, ये हाईलाइटेड नहीं है, इसमें फीमेल नहीं है हाईलाइटेड नहीं है। सेल्स मैनेजर देखिए, देखिए सर एक तो आपको फिल्टर करना आसान है और दूसरा अगर कोई पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं है वो हाईलाइट तो नहीं होता है। अब एक से ज्यादा सिलेक्ट करना, माना मुझे क्वार्टर वन क्वार्टर टू देखना है तो मैं क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू आ जाएगा। तो दो चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी, पहली प्रॉब्लम थी हमारी की क्रिटिकल सॉरी एक मतलब की ग्राफिकल इंटरफेस मिले, और दूसरा कि अगर एक को सिलेक्ट करूं अगर उसमें से जो जो चीज अवेलेबल नहीं है वहां पे वो दिखना चाहिए। समझ में आ गई आपको? हेलो अब दूसरी चीज आती है कि इसको हम कई सारे पिवट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार और एक पिवट और लगाया पिवट टेबल, और यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ नैनो के। अब मैं इसके लिए अलग पिवट, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कि प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज, और हमें यहाँ पे तो क्वांटिटी का टोटल था, यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ, समझ गए। अब जैसे मैंने क्वार्टर वन सिलेक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ क्वार्टर वन इसी पीवर्ड को इफेक्ट किया, इस पीवर्ड को इफेक्ट नहीं किया, देख रहे हैं सर। तो उस केस में क्या करेंगे कि दोनों पीवर्ड को अब देख यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार ए पीवर्ड कॉलम को एक रिसाइज कर दे रहा है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ पीवर्ड टेबल ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ को हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब मैं इसको यहां से बड़ा कर देता हूं, अब नहीं होगा क्वार्टर वन
नहीं हो रहा है, हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब मुझे ए पिवट कैसे चेंज होगा, तो मुझे इस पिवट पे क्लिक करना होगा और जाना होगा एनालाइज में, और स्लाइसर के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है फिल्टर कनेक्शन, दिख रहा है सर फिल्टर कनेक्शन। फिल्टर कनेक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे है आपके फिल्टर लगे हुए हैं उसको यहां से क्लिक कर दीजिए, और ये आपको हर पिवट के साथ करना पड़ेगा। और यहां पे देखिए अब दोनों चेंज हो रहा है, दोनों पिवट चेंज हो रहा है ना सर। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि इसको ग्राफिकली चार्ट के जरिए करूं, तो मैं यहां से पिवट चार्ट भी ले सकता हूं, मैं कोई चार्ट लगाता हूं, यहां पे चार्ट लगा दिया। अब ये चार्ट मेरे पिवट से कनेक्टेड है और ये सेल्स मैनेजर वगैरह दिख रहा है इसको, तो मैं राइट क्लिक करके ऑल हाइड बटन ऑन चार्ट को क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो गया हट जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, हाँ, और मैं इसको यहाँ, मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैं किसी अलग सीट पर रखना चाहता हूँ जो कि एक रिपोर्ट्स का फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। और यहाँ पे इसको मैं कट करता हूं और यहाँ इसको ऊपर रख देता हूं इसमें, और फिर मैं इस पे भी चार्ट बनाता हूँ, इंसर्ट करता हूं और इस पे भी एक चार्ट बनाता हूं, और इसको भी यहां से मैं कट करता हूं और डैशबोर्ड में नीचे डाल देता हूं, और राइट क्लिक करता हूं हाइड ऑल बटन फील्ड, इसको आप चाहो तो नीचे रख सकते हैं, या फिर इसका मैं डिजाइन में जाके लेआउट में मैं ये नीचे वाला लेआउट ले लेता हूँ, सही रहेगा, इसको ही बड़ा करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके मैं नीचे वाला लेआउट ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया क्वांटिटी, ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू। और आपके जो स्लाइसर्स हैं उस स्लाइसर को भी मैं यहां रख सकता हूं, कैसे, बस इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको कट कीजिए और डैशबोर्ड में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहां पे क्वार्टर वन सेलेक्ट करूंगा, देखिए दोनों चार्ट इफेक्टेड है, क्वार्टर टू, समझ आया सर, मतलब कि अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो मेरा यहाँ इस सीट का पिवट इफेक्टेड हो रहा है और पिवट से हमारा चार्ट इफेक्टेड हो रहा है, आया समझ आया सर। हेलो जी सर, आया तो स्लाइसर का यूज समझ में आ गया जी सर। और स्लाइसर सिर्फ पिवट में ही नहीं, स्लाइसर को हम टेबल पे भी बना सकते हैं, जैसे डेटा पे भी कर सकते हैं, जैसे डेटा है ना इसको मैं टेबल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दूं, सॉरी पिवट टेबल कर दिया मैंने, इसको टेबल में यहाँ आता है ना फॉर्मेट एज ए टेबल, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दिया तो मैं इस पे भी स्लाइसर लगा सकता हूँ, तो इस पे स्लाइसर होगा तो क्या होगा, फिल्टर होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जोन ले लिया और क्वार्टर ले लिया, तो इससे क्या होगा, कहाँ गया स्लाइसर, अच्छा ये हो गया, इससे क्या होगा कि मेरा डेटा फिल्टर होगा, मैं यहाँ पे क्वार्टर वन सेलेक्ट करूंगा तो क्वार्टर वन का डेटा, क्वार्टर टू का, क्वार्टर थ्री का, क्वार्टर वन में मोर नॉर्थ चाहिए तो नॉर्थ का होगा, दिख रहा है सर आपको, इस तरह से आपका डेटा फिल्टर होता है। तो स्लाइसर पूरी अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नो सर। तो
अब आपको कुछ स्लाइसर से बने हुए डैशबोर्ड बताता हूं सर, ठीक है। यहां पे जैसे कि ये इस डैशबोर्ड को ले लीजिए, ये दिख रहा है आपको, यहां पे ये चार्ट्स है और यहां पे इसके स्लाइसर लगे हुए हैं फॉर्मेटेड करके, क्लिक करने पे आपका रिपोर्ट चेंज होता है। उसी तरह से नीचे आइए, ये रिपोर्ट देखिए, इसमें डेटा भी है, पिवट भी है और साथ में वहां देखिए स्लाइसर्स किस तरह से यहां पे रखा हुआ है, क्लिक करने पे ये पूरा डेटा चेंज होता है। इसके अलावा अगर मैं नीचे आता हूं, ये देखिए, ये भी एक डैशबोर्ड, एक कंप्लीट अच्छा डैशबोर्ड है जो कि स्लाइसर से बना हुआ है, ठीक है सर, दिख रहा है आपको। अक्षय जी, उसके अलावा अगर आप नीचे बढ़े तो ये देखिए, ए रिपोर्ट आपको दिख रहा है, ये भी आपका स्लाइसर से ही है, बट एक इसको बाहर से अटैच किया गया है, लेकिन पूरा स्लाइसर से ही है आपका। राइट, तो आप क्या करें, एक सैंपल डेटा, कोई सा एक सैंपल डेटा ले आप, और आप यहां इसमें से कोई सैंपल डैशबोर्ड ले और आप बना के मुझे भेजिए स्लाइसर इस्तेमाल करके। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, तो एक सैंपल डेटा आप खुद बना ले, क्योंकि मेरे डेटा पे आपको डेटा समझना पड़ेगा, और मुझे आप जो है एक डैशबोर्ड बना के दे, फिर मैं आपको एक डैशबोर्ड खुद बना के दूंगा। ओके सर, ठीक है, तो आपका यही रहा। फिर आप जब इस स्लाइसर को समझ लेंगे, फिर मैं उसको डैशबोर्ड पे यूटिलाइज करूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा सर। जी सर, ठीक है, ओके सर, ओके ओके बाय सर। हेलो, बोलिए। हेलो सर, एक क्वेरी था, एक्सेल के अंदर अपन फाइल शेयरिंग पे रखते हैं ना, हाँ सर, वो ऑप्शन आ नहीं रहा था मेरे पास अभी एक्सेल में, वहाँ पे मतलब अनशेयर दिखा रहा है वो, यहाँ रिव्यू के अंदर में आपको यहाँ पे अनशेयर दिखाता है, शेयर वर्कबुक नहीं आता, राइट, हाँ वो अनशेयर दिखा रहा है अभी, हाँ, तो उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा एडवांस में कस्टमाइज्ड इवन, और उसमें ऊपर में नॉट कमांड इन नॉट इवन, इसमें आप सर्च कर लीजिए शेयर वर्कबुक को। ओके, अब इसमें सर मैं शेयर्स में एडिटिंग कर सकता हूँ और सेव होगी हर एक पे, हाँ शेयर वर्क को उसमें ऐड कर लीजिए, इसको आ जाएगा, और इसमें वो भी हो जाएगा मेरा कि किसने लास्ट में चेंज किया है, लास्ट वाला चेंज ही रहेगा, जैसे आप सेव करेंगे वो हाइड कर, हाईलाइट कर देता है। और मैं इसमें वो कर सकता हूँ सर कि यही बंदा इस पे काम करे, मतलब वो लॉक लगा करके पासवर्ड प्रोटेक्ट करके ही कर सकता हूँ वो, तो मैं हाँ नेम से नहीं कर सकता ना, ठीक है, कुछ बस ये, ओके ओके बाय, सी टुमारो सेम टाइम, ओके okay.